महिला पहलवानों के बयान कोर्ट में ही उनके बयान लिए जाएं और इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए। मुझे दया आती है पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों के ऊपर जो खिलाड़ियों के नाम पे एक धब्बा है। इन पहलवानों का समर्थन करने का फर्ज हर खिलाड़ी का बनता है। बहनों का इस व्यक्ति ने भविष्य खराब किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। जेल की सलाखों के पीछे ब्रजभूषण को डाला जाए। ब्रजभूषण जी कहाँ साथ दे रहे हैं? ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं ये तो केवल एक जाति विशेष के पहलवानों का एक धरना प्रदर्शन है। जब ये मेडल लेके आते हैं, जब कोई ये नहीं कहता कि ये तो हरियाणा के जाट मेडल लेके आए, तब कहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी को मेडल मिला है, इस खेल में मेडल मिला है। पीटी उषा क्यों इनके विरोध में है? पीटी उषा को अपना खुद निजी स्वार्थ दिख रहा है, वो सांसद है बीजेपी की। पीछे का नजारा देखिए, आज लगभग 4 से 5 दिन हो चुका है और यहाँ पे रेसलर अभी तक धरने पे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एफआईआर हो चुकी है, अभी कॉपी जारी नहीं हुई है कि एफआईआर की कॉपी भी जारी नहीं की गई है। हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस के कुछ मेंबर, हम इनसे बात करेंगे कि एफआईआर हो चुका है जी। तो अब क्या अब ये लोग अभी भी धरने पे रहेंगे? नहीं, एफआईआर मुद्दा नहीं है। एफआईआर तो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे हैं, 84 मुकदमे हैं। जो लड़ाई है वो ये है कि हजारों जो महिला पहलवानों का जो यौन शोषण किया है, जिन बहनों का इस व्यक्ति ने भविष्य खराब किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। जेल की सलाखों के पीछे ब्रजभूषण को डाला जाए और जो महिला पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से सिटिंग एक कोर्ट के जज सिटिंग जज से उसकी जाँच हो और जो आरोप लगाए गए हैं उन महिला पहलवानों के बयान कोर्ट में ही उनके बयान लिए जाएं और इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए और जितने पिछले मुकदमे हैं, जितने पहलवानों से पहले भी जो मुकदमे हैं उनके ऊपर भी ये व्यक्ति सांसद है तो उनके ऊपर भी पूर्णतः सुनवाई नहीं हो रही, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले चाहिए कि इस व्यक्ति का सांसद पद से इस्तीफा लें, कुश्ती संघ किसके पद से इस्तीफा लें, अध्यक्ष पद से, उसके बाद इस व्यक्ति को जेल डालने का काम करो। जांच तो होने दीजिए, एक बार जांच में मालूम तो चलने दीजिए क्या मामला है, क्योंकि ब्रजभूषण ने भी अपने पक्ष में कुछ कहा है कि हम लोग जांच के खिलाफ नहीं है, न्यायपालिका जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है और हम साथ देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? जाँच हो जाने दीजिए। ब्रजभूषण जी कहाँ साथ दे रहे हैं? ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं ये तो केवल एक जाति विशेष के पहलवानों का एक धरना प्रदर्शन है, वो साथ कहाँ दे रहे हैं? ये भी कहा है कि हम मतलब जांच करवाने के लिए हम साथ देंगे, जांच करें, कमेटी बैठी है और फिर जो न्यायपालिका ने जो ऑर्डर दिए हैं उस पर हम जांच करने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जब पिछली बार ये पहलवान धरने के ऊपर बैठे थे तो इन पहलवानों को ब्रजभूषण जी ने ये भी कहा था कि ये व्यक्ति ये पहलवान आरोप लगा रहे हैं एक जाति विशेष के और मेरे खिलाफ कोई दूसरा नेता कांग्रेस के नेता मेरे साथ जो है साजिश रच रहे हैं और जांच का सवाल ही नहीं उठता, मैंने कुछ गलत काम ही नहीं किया है। तो अब वो किस जांच की बात करें? अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो डरने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने ऐसा कहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बार बार जो प्लेयर्स है वो कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा राजनीति कोई भी मुद्दा नहीं है, वो अपने आप को बार बार ये बयान दे रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का ये कहना है कि जैसे कि आपने कहा कि जाति विशेष, इस पे आप जरा समझाएंगे क्या जाति विशेष क्या? ब्रजभूषण जी कहते हैं कि ये केवल हरियाणा के जाट पहलवान है। अच्छा। मैं ब्रजभूषण जी से पूछना चाहता हूँ, जब ये सारे मेडल लेके आते हैं, जितने पहलवान यहाँ बैठे हैं 99% गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर या कांस्य पदक विजेता हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं, जब ये मेडल लेके आते हैं, जब कोई ये नहीं कहता कि ये तो हरियाणा के जाट मेडल लेके आए, तब कहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी को मेडल मिला है, इस खेल में मेडल मिला है। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि केवल एक खेल के ही संबंधित खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, जबकि नीरज चोपड़ा ने इन पहलवानों का समर्थन किया है, कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो की पूर्व ओलंपियन है, उन्होंने समर्थन किया है। पीटी उषा ने कहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, आप इसके बारे में सुना है आपने? पीटी उषा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वक्त वक्त बहुत बलवान होता है और वो वक्त भी मत भूलिए पीटी उषा जी, जब एक होटल में कमरा न मिलने के कारण आपने पूरे देश में बवंडर मचाया था, आंसू बहाए थे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। 1988 का वो ओलंपिक भी मत भूले पीटी उषा, जिसमें पीटी उषा के और पीटी उषा के कोच की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा था और उस पीटी उषा ने ट्रायल की मांग की थी,
जब पहलवान ओलंपिक में जाता है तो ट्रायल नहीं होती कोर्ट के ऊपर, और पीटी उषा की वजह से हमारे देश की पूरी पूरी बदनामी हुई थी। तो किस हक से पीटी उषा, मैं मुझे दया आती है पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों के ऊपर जो खिलाड़ियों के नाम पे एक धब्बा है। इन पहलवानों का समर्थन करने का फर्ज हर खिलाड़ी का बनता है, किसी भी खेल से जुड़ा, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हो, कुश्ती से हो, बॉक्सिंग से हो, कोई भी हो। आज देश का हर नेता, आज देश की हर पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के देश के समस्त पहलवान, पूरो ओलंपियन है जो मौजूदा पहलवान है, वो सब के सब इनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटी उषा ने इसलिए कहा क्योंकि वो बीजेपी की सांसद है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल, क्या कह रहे हैं वो? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पीटी उषा ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि वो बीजेपी से सांसद हैं। नहीं, पीटी उषा एक अध्यक्ष पद पे विराजमान है और पीटी उषा जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वो उनको एक ऐसे पद पे बैठी हैं जो खेलों से, समस्त खेलों से जुड़ा हुआ पद है, तो उनको इस बात की पूरी इस लाज रखनी चाहिए अपने पद की भी, और कम से कम खिलाड़ियों के लिए ऐसी बात तो कम से कम उन्होंने नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में देखिए पोस्टर है, रेसलर प्रोटेस्ट पीटी उषा की शर्मनाक टिप्पणी, क्या दिक्कत है उनसे? उन्होंने तो सही कहा कि हमारे पास आना चाहिए, आपको नहीं लगता है? नहीं, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास आना था तो 3 महीने पहले भी ये खिलाड़ी उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी। कमेटी में क्या हुआ, कमेटी में खुद ही तालमेल नहीं है, जो बबीता है उस कमेटी में वो भी थी, लेकिन वो बोल रही है कि मेरे को रिपोर्ट है उसको देखने नहीं दिया, मेरे हाथ से ज़बरदस्ती छीना गया और ज़बरदस्ती साइन जो कराए हैं। तो आप सोच सकते हैं, बबीता के बारे में बोला तो मैं आपको बबीता के बारे में बता दूं, जिसपे जो ब्रिजभूषण जो है उन्होंने ये टिप्पणी की है कि मैं उनको भी डाला गया जिनके बारे में मैं नहीं चाहता था कि वो उस कमेटी में जाएं, लेकिन फिर भी उनको भेजा गया उस कमेटी में, लेकिन मैं जाँच करवाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर वो जांच के लिए तैयार होते तो इन खिलाड़ी वो 3 महीने से भटक रहे हैं और 7 दिन से ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी FIR दर्ज कराते हैं, तो वो कहाँ का न्याय है? ये फिर वो झूठ बोल रहे हैं। तो पीटी उषा जिस तरीके से तमाम जो प्लेयर्स हैं एक एक करके, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, एक एक करके तमाम, कपिल देव और भी लोग हैं, सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पीटी उषा क्यों इनके विरोध में है? पीटी उषा को अपना खुद निजी स्वार्थ दिख रहा है, वो सांसद है बीजेपी की, वो महिला जी वो महिला की तरफ नहीं देख रही, वो अपना स्वार्थ देख रही है और राजनीतिक करियर देख रही है। अगर किसी महिला के साथ इतना असंवेदनशील मामला होता है, एक जो हमारी बहन है, एक तो नाबालिग है, दूसरी ये 7 महिलाएं, उन्होंने भी उनके साथ भी छेड़छाड़ का मामला हुआ, और वो महिला के साथ न होकर इतनी घटिया मानसिकता के साथ टिप्पणी करी है, तो इससे दुर्भाग्य बात क्या होगी? देख सकते हैं पीटी उषा लगातार सवालों के घेरे में है और उन पे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बहुत गलत किया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम आपको FIR, कितना FIR ब्रिजभूषण सरन सिंह पे हुआ है, हम उसको एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये ब्रिजभूषण सिंह पे FIR दर्ज है, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप ऊपर में देखेंगे वहाँ पे दिखेगा ब्रिजभूषण सरन सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह बीजेपी MP आपराधिक इतिहास। तो ये लगातार जो है 38 FIR है यहाँ पे दिख रहा है और आप अब देख सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।